इधर से आप लोग को ऐसे ये जो मार्क है ना यहाँ पे सोचना है, यहाँ नहीं लेना है, यहाँ से लेना है, यानी कि आपका जो भी बोनेट है बोनेट के बाहर उधर पे बैठ के हम लोग को देखना है ना, ऐसा देखना है, ऐसा उस व्हील को ऐसे देखना है जहाँ पे व्हील है, ठीक है। उस वहाँ पे एक टेप लगाने के बाद वो जो टेप है ना यहाँ पे आएगा, ऐसा करके जो टेप है इधर पे आएगा, ये जो यहाँ पे पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मेरे को सीधा जाना है, उसको उसके साथ घुमाना है। इसका मैंने साइड दिया, ठीक है, ये निकल गया, देखो लॉरी साइड दे दिया, घुमा रहा हूँ, ठीक है, उधर से घूम गया गाड़ी। ये वाला जो गाड़ी है ना, ये मेरा इस लाइन से अंदर है, इसको मेरे को इसके बाहर रखना है, सिंपल सी बात है, स्टीयर करना है। देखो उधर पे आ गया, अभी देखो उसका पोजीशन को देखो कहाँ पे है, उधर पे आ गया, यानी कि रेड वाला जो लाइन है उसके सामने आ गया। अभी मेरा व्हील ऐसा है, सीधा है, यहाँ पे ये जो रिक्शा जा रहा है, ठीक है, मेरे को हल्का सा स्टीयर करना है, ऐसा हो गया गाड़ी, हल्का सा स्टीयर, वो वाला जो रिक्शा इधर पे जा रहा था इधर पे आ गया। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नया वीडियो में। तो आज हम लोग वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे गाड़ी का जजमेंट, मगर ये वीडियो कुछ अलग किस्म का होगा। इस वीडियो के अंदर जो भी डाउट आप लोगों को हो रहा है, यानी कि कौन सा पॉइंट से जजमेंट को लेना है, लेफ्ट साइड का जो हमारा गाड़ी का व्हील होता है, कौन सा जगह, कौन सा गाड़ी कैसे आप लोगों को लेना है, सब कुछ बारीकी से, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि इसके अंदर एकदम डिटेल में सब कुछ रहेगा, ताकि आप लोगों को जो जजमेंट लेने में कोई भी 1% भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को आगे लेके जाते हैं, और वीडियो को आखिर तक देख लो, ठीक है। और जरूर इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूं, उसको भी जरूर चेक कर लेना, क्लच कंट्रोल ब्रेकिंग के ऊपर। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ के अंदर एक स्टिक है, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे जजमेंट लेने के लिए। तो हमेशा याद रखना है दोस्तों, आपका गाड़ी का जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है, कितना फिट का है, कितना विड्थ का है, इसके बाद आप लोगों को नजर रखना है जो भी आपका गाड़ी का मिडिल है, जो भी लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखे थे, जो गाड़ी का आप लोगों का मिडिल होता है उसको बहुत ही ध्यान से मार्क करना, ठीक है, कोई भी यहाँ पे निशान लगा दो। उसके बाद अभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखो, जो हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड का जजमेंट होता है दोस्तों, हम लोगों को एक्चुअली जो यहाँ पे हमारा लेफ्ट व्हील होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा गाड़ी का राइट व्हील होता है, उसका पोजीशन को हम लोगों को देखना पड़ता है, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट व्हील का पोजीशन। अभी एक बात माथे पे जरूर रखना दोस्तों, आप लोगों का जो भी गाड़ी है उसका व्हील कहाँ पे है, उसका बोनेट कहाँ पे है, एग्जैक्टली उसका पोजीशन आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे निशान लगाया था, सबसे पहले गाड़ी को चलाने से पहले जो पहला नंबर वन स्टेप है वो है आपका गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसको सीधा करो। कैसे सीधा करना है, गाड़ी को एकदम स्टार्ट कर दो, ठीक है, स्टीयरिंग को एकदम राइट पे, नहीं तो एकदम लेफ्ट पे, ठीक है। ये हो गया मेरा जो गाड़ी का व्हील एकदम दाहिने तरफ, उसके बाद ये जो है ना इसको वन टर्न, उसके बाद दूसरा टर्न, ये जो सीधा हो गया, अभी मेरा गाड़ी का व्हील सीधा हो चुका है। लोगों को पहचानना है कहाँ पे व्हील है, उस व्हील से ना एग्जैक्टली एक यहाँ पे टेप लगा दो जहाँ पे आपका व्हील है, ठीक है, उस व्हील को ऐसे देखना है जहाँ पे व्हील है, ठीक है, उस वहाँ पे एक टेप लगाने के बाद वो जो टेप है ना यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद राइट की तरफ इधर भी सेम ऐसा करके जो टेप है इधर पे आएगा, और जहाँ पे वो टेप मैच करेगा ना वही वाला हमारा पॉइंट होगा स्टीयरिंग पे, यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो चलो हम लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं। अभी बाहर आने के बाद आप लोग देख सकते हो गाड़ी का व्हील इधर पे, ठीक है, यहाँ पे मेरा लेफ्ट व्हील है, उधर पे मेरा राइट व्हील है। तो आप लोगों को जानना जरूरी है जो आपका व्हील पोजिशन कहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे लेफ्ट व्हील होता है, इधर से आप लोग को ऐसे ये जो मार्क है ना यहाँ पे सोचना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से लेना है, यानी कि आपका जो भी बोनेट है बोनेट के बाहर यहाँ से आप लोगों को लेना है। एक्चुअली एकदम सीधा जाएगा, और जाएगा तो जाएगा पूरा स्टीयरिंग पे जाएगा, ठीक है, और आप लोगों को उधर पे बैठ के हम लोगों को देखना है ना, ऐसा देखना है, ऐसा। इसके बाद होता है दोस्तों जो राइट साइड का व्हील, राइट साइड का व्हील आप लोगों को मेजर करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को पहचानना है, यहाँ से जाके स्टीयरिंग तक जाएगा और स्टीयरिंग पे आप लोगों को मार्क कर देना है, ठीक है। अंदर आने के बाद वो जो लाइन यहाँ पे जो हमारा ये वाला है, ठीक है, पोजीशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्टीयरिंग को सीधा किया, यहाँ पे एक निशान लगा दिया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप लोग टेप को लगा सकते हो, तो चलो मैं यहाँ पे एक टेप को लगा देता हूँ। देखो जो लास्ट वीडियो के अंदर था, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, देखो देखते रहो अभी, ठीक है, यहाँ पे मेरा टेप रहेगा, हो गया। सेम उसी तरह जो हमारा राइट का दिशा है, यहाँ से मेरा व्हील है, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे और एक टेप, ठीक है। ऐसा करके इसको मेजर किया करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखो अभी मेरा मेरे को अभी ऐसा सोचना है, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद ये मेरा यानी कि जो लेफ्ट वाला व्हील है, ठीक है, इधर पे है और उधर पे है। इसके बाद बहुत ही आसान है, इस स्टीयरिंग का जो यहाँ पे एंड है ना, ये आपका सोचो लेफ्ट व्हील है, इधर से एक हाथ को ऐसे रख दो एक लाइन। अभी जो भी गाड़ी आपके सामने जा रहा है उसको ओवरटेक करने के लिए उसको इस लाइन से बाहर रखना है। इसके बाद जब भी आप लोग उसको ओवरटेक करेंगे, आप लोग देख पाएंगे वो गाड़ी एग्जैक्टली इधर से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। जब भी आप लोग जाएंगे ऐसा करके वो गाड़ी उधर से गुजरेगा, तो ऐसा देखना है पहले, जब भी क्रॉस करेगा गाड़ी उसके माथे से जाएगा, क्रॉस करेगा, ठीक है। तो अभी बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बारीकी से मैं ड्राइविंग
करने के दौरान आप लोगों को सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। और एक बात जान लेना दोस्तों, जो हमारा गाड़ी का मिडिल जहां से गुजरता है वहां से गाड़ी का लेफ्ट व्हील जाता है। अंदर बैठ के हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो परफ्यूम है एग्जैक्टली मिडिल पे, यहाँ से वो वाला व्हाइट लाइन है, मगर उस व्हाइट लाइन के ऊपर मेरा गाड़ी का लेफ्ट व्हील है, ये वाला नहीं है, ठीक है। ज़्यादा नज़दीक हम लोग देखते हैं, ये लास्ट वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने देखे थे। तो ऐसा सोचो, इसको यहाँ पे सोचो और इसको यहाँ पे सोचो, ठीक है। अभी जो भी गाड़ी आएगा हम लोगों को ऐसा सोचना है, ऐसा, ठीक है। पहले ऐसा, जब भी वो गाड़ी मतलब हमारे सामने जा रहा है उसको हम लोग को ऐसा देखना है, इस लाइन से बाहर रखना है, ठीक है, ऐसा करके इससे बाहर। और उसके बाद जब भी गाड़ी जाएगा, क्रॉस करेंगे हम लोग उसको, ओवरटेक करने के दौरान आप लोग देख पाएंगे उसका जो भी बॉडी है वो ना इधर पे आ चुका है, इधर पे, ठीक है, ये वाला चीज़। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं आगे जाके। तो चलो दोस्तों ड्राइविंग करते हैं और एग्जांपल को बहुत ही ध्यान से देखें, कहाँ पे गाड़ी मेरे को ओवरटेक कर रहा है, किसको मैं कैसे ओवरटेक कर रहा हूँ उसको देखिए। 3 नंबर गियर देखो, जो भी गाड़ी और बस जब भी आप लोगों को ओवरटेक करेगा, नहीं तो आप लोग उसको ओवरटेक करेंगे सामने से, दाहिने से, बाएं से, सब ये वाला टेप के सामने रहेगा। और जो भी गाड़ी आपके सामने जा रहा है उसको कोशिश कीजिए, ये वाला लाइन यहाँ पे सोचिए, इस लाइन से बाएं तरफ आप लोगों को रखना है, बस एकदम आसान। देखो यहाँ पे है ये वाला जो गाड़ी है ना, ये मेरा इस लाइन से अंदर है, इसको मेरे को इसके बाहर रखना है, सिंपल सी बात है, स्टीयर करना है, देखो उधर पे आ गया। और जब भी हम लोग इसको ओवरटेक करेंगे वो मेरे इधर पे आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम कोई भी शक नहीं होगा, आप लोग आराम से उसको क्रॉस करके जा सकते हैं। देखो कहाँ पे गाड़ी यहाँ पे जा रहा है, राइट, मैं इसको ओवरटेक करके जा नहीं सकता, देखो अभी देखो, देखो यहाँ पे देखो, देखा। तो ऐसा आप लोगों को बहुत ही टाइट स्पेस कभी कभी आ सकता है, दाहिने से गाड़ी आ रहा है, बाएं से गाड़ी को आप लोग ओवरटेक कर रहे हो, बहुत ही लंबा गाड़ी है इसी तरह, ठीक है। तो ये सब चीजें माथे पे रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 2 नंबर गियर दिया मैंने, हल्का सा हॉर्न दिया था मैंने, रुका था, एकदम स्पीड कम था, अभी देखो। देखो ये जो मेरे सामने सामने एक रिक्शा जा रहा है उसका पोजीशन को देखो कहाँ पे है, जब भी मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूँ देखो, अभी अभी देखो उसका पोजीशन को देखो कहाँ पे है, इधर पे आ गया, यानी कि रेड वाला जो लाइन है उसके सामने आ गया वो, ठीक है, एकदम आसान है। डायनो को देखो, जो भी गाड़ी मेरे को क्रॉस करके इधर जा रहा है वो गाड़ी मेरा जो लाल वाला टेप है उसके सामने से गुजर रहा है, हमेशा ऐसा सोचो, ठीक है। मैं ऐसा करके ड्राइविंग कर रहा हूँ, आप लोग देखो इसको, ठीक है। ये तो हाई रोड है, मैं नॉर्मल रास्ते के अंदर जाता हूँ जहाँ पे हम लोग ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, चलो। और भीड़ का भी बहुत अच्छा वाला वीडियो आ रहा है, एकदम पैक जैम पैक वाला भीड़ के संग, इसको देखो अचानक घूम गया बाई तरफ, यहाँ पे देखो राइट का जजमेंट देख लो कहाँ पे है गाड़ी, देखो यहाँ पे, ऐसा सोचो ऐसा, ठीक है। जो भी गाड़ी आएगा इस लाइन से बाहर रखना है, यानी कि उसको उधर रखना है। और ये जो लाइन है ना, आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना है। इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, आसान, आपका अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे तो ज़्यादा बाहर की तरफ लाइन जा रहा है, आप लोगों का जो भी गाड़ी है वो दाहिने तरफ एकदम बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखते रहो, अभी इंडिकेटर पहले से देना है और IRBM पे देखना है पीछे का जो भी गाड़ी है उसका डिस्टेंस आपके पीछे से कितना है। देखो यहाँ पे इंडिकेटर लगा दिया, ठीक है, हल्का सा स्टीयर किया, देखो ऐसा गाड़ी जा रहा है, बाई तरफ बहुत बड़ा वाला गड्ढा है, ठीक है, उससे बच के मेरा व्हील कहाँ पे जा रहा है। देखो अगर कोई, देखो रास्ते में कोई फुटपाथ है, ठीक है, ढलाई वाला फुटपाथ, यानी कि बड़ा वाला फुटपाथ, ऐसा चौड़ा जहाँ पे गाड़ी चढ़ नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करना है पता है दोस्तों, एक निशान बताता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, देखो कहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे। तो समझ लो अगर यहाँ पे कोई रास्ते में ना, ये तो रास्ता और ये सेम वाला है, ठीक है, सेम हाइट है, मगर अगर समझ लो इधर पे कोई ऊंचा जगह है, ठीक है, जहाँ पे मेरा गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है, नहीं तो ऊपर चढ़ नहीं सकता, एकदम ईंट से बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें ना आप लोगों को यहाँ पे जो मेरा रेड वाला सिम्बॉल है ना, एकदम माथा है रेड वाला का टॉप, वहाँ पे से गाड़ी को घुमाना है, वो वाला आपका मार्किंग है, यानी कि वो वाला आपका लेफ्ट व्हील है, ठीक है। देखो वहाँ पे ईंट वगैरह है ना एकदम वो वाला, तो वहाँ उधर पे देखो मैं क्या करता हूँ, इसका मैंने साइड दिया, ठीक है, ये निकल गया, देखो लॉरी साइड दे दिया, अभी देखो यहाँ पे देखो, बहुत ही ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने घुमा रहा हूँ, ठीक है, उधर से घूम गया गाड़ी, ठीक है, वो फ्री हो गया, लेकिन लेफ्ट व्हील को मैं देख रहा हूँ, वो वाला हिस्से को मेरे को बचाना है, ठीक है। देखो देखा उधर पे जाएगा बहुत ही कम था दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो, देखा देखो, ऐसा लगेगा आप लोगों को टक्कर लग रहा है, लग रहा है, नहीं लगेगा, ये मार्क को कर दो, गाड़ी को ऐसा करते ऐसा करते पूरा एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान, ठीक है। मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ, ऐसा एग्जांपल दिखाता हूँ,
जैसा कि उधर हुआ ना, ईट वगैरह था, गाड़ी को ऐसा घुमाना था, तो कहाँ पे, यानी कि ऐसा ना हो मेरा गाड़ी का जो लेफ्ट व्हील है उसके ऊपर चढ़ जाए, ऐसा करके ऐसा होगा फिर, नहीं वह सब नहीं करना है, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन, एकदम स्मूथली जाना है, ऐसा करके घुमाना है। बाई का व्हील का जजमेंट, यानी कि बाई साइड का नहीं, बाई का व्हील का जजमेंट, व्हील कहाँ से जा रहा है, अगर व्हील कहाँ से जा रहा है आप लोगों को पता चल जाएगा तो साइड का जजमेंट तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर पे गड्ढा था, मेरे को बचाना है, बचा लिया, ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा था। इधर पे देखो, वो ऐसा तिरछा किया, अंदर घुसा, ठीक है, इधर पे देखो, रेड वाला को देखो, ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा बाहर, हमेशा एक हाथ रख के सोचो पहले पहले, ठीक है, देखो ऐसा, ठीक है, निकल गया, हाथ रख दो और कैलकुलेट कर लो, एकदम आसान सा ट्रिक है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो, कहाँ पे देखो, यहाँ पे है, राइट, हॉर्न दिया हल्का करके, ठीक है, पांच नंबर गियर पे गाड़ी, चार्ज नहीं करना है, नहीं करना है, अगर यहाँ पे फिर से ब्रेक करना पड़ता मेरे को चार्ज देना पड़ता, ठीक है। देखो देखते रहो, देखो यहाँ पे देखो, ऐसा जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे आपका लेफ्ट व्हील है, ठीक है, उसको देखो, ऐसा जा रहा हूँ, और एक एग्जांपल के लेके हम लोग बात करेंगे, समझ लो आपका गाड़ी ऐसा जा रहा है, ठीक है, सामने से गाड़ी आ चुका है, नहीं तो इधर पे गाड़ी है, बाई तरफ एक ऊंचा जगह है, एकदम ऊंचा वाला, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, जो गाड़ी का आपका लेफ्ट व्हील है उस ऊंचा जगह पे ना चढ़ के उसके नीचे से जाना है, तो कैसे पता चलेगा, एकदम आसान है, क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को, एक सेकंड, इसको मैं साइड दे देता हूँ, हॉर्न देखा पता था, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखना है, ठीक है, और सबसे पहले गाड़ी का जो स्टीयरिंग है इसको सीधा कर लेना है, सीधा करना है और इधर से यहाँ पे देखना है, ठीक है, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कोई ऊंचा जगह हो सकता है, कोई भी जगह हो सकता है, ठीक है, देखो इधर पे ना रस्सी है, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है इससे, कुछ भी यार, देखो रस्सी को रास्ते के बीचों बीच रख दिया है, देखो अभी देखो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ, समझ लो मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, अभी कैसे पता चलेगा मेरे को गाड़ी जो इधर पे है उधर पे अटक सकता है मेरा गाड़ी, ठीक है, मेरे को ऐसे घुमाना है, तो क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, वो जो उधर पे बांस है ना, ठीक है, उसको, ये जो यहाँ पे पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मेरे को सीधा जाना है, उसको उसके साथ घुमाना है ताकि गाड़ी उससे टच ना करे, देखो ऐसे, देखो ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा घुमा दिया, ठीक है, यानी कि वो वाला जो बांस है वो मेरा रहेगा ये वाला टेप के सामने, ठीक है, ऐसे जजमेंट लेना है, बहुत ही आसान है, उतना कुछ कठिन नहीं है, देखते रहो अभी, पाँच नंबर गियर, ओके, मेरा जो व्हील है अभी ऐसा है, अभी मैं सीधा जा रहा हूँ तो मेरा व्हील सीधा है क्योंकि इसके साथ मैचिंग हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ऐसा 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 निकल गया, ओके, अभी देखते रहो, इट्स वेरी इजी दोस्तों, कोई कठिन कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम आसानी से आप लोग कर लेंगे, देखो ऐसा, ठीक है, अभी मेरा व्हील ऐसा है, सीधा है, यहाँ पे ये जो रिक्शा जा रहा है, ठीक है, मेरे को हल्का सा स्टीयर करना है, ऐसा हो गया गाड़ी, हल्का सा स्टीयर, वो वाला जो रिक्शा इधर पे जा रहा था इधर पे आ गया, एकदम आसान, देखो इधर पे जा रहा था, गाड़ी को ऐसा किया, स्टीयरिंग ऐसा हो गया, यानी कि व्हील ऐसा हो गया, ये आपका व्हील है गाड़ी का, लेफ्ट व्हील राइट व्हील, जहाँ पे आप लोग घुमाएंगे वैसा जा रहा है गाड़ी, ठीक है, कोशिश करो इसको सीधा रखने के लिए, जब भी ओवरटेकिंग करेंगे, जब भी किसी को साइड देंगे तभी इसको घुमाना है, नहीं तो नहीं करना है, रास्ते के हिसाब से जाना है, अगर रास्ता ऐसा एंगल पे है इसको ऐसा करो, अगर रास्ता ऐसा है तो ऐसा करो। यहाँ पे देखो दोस्तों एक एकदम आसान सा एग्जांपल, इसको मैं यहाँ पे ऐसा देख रहा हूँ, यानी कि वो जो गाड़ी है ये वाला मेरा हाथ का इधर है, मैं उसको ओवरटेक करने के लिए उसको इधर पे लेके आना है, मगर उसको ओवरटेक करने के दौरान उसको मैं देखूंगा कहाँ पे, पता है, इधर पे, ठीक है, देखो ऐसा कहाँ पे देखो, ठीक है ऐसा, चलो वो मेरे को देख रहा था, मेरे को साइड दे दिया बंदा, मेरे को देख रहा था, मैं ओवरटेक क्यों नहीं कर रहा है ऐसा सोच रहा होगा, देखो ओवरटेक किया, वो वाला गाड़ी मेरा इधर पे आ चुका है, देखो उसके पीछे जाते हैं,
और प्रैक्टिस करो पहले थोड़ा सा खाली जगह में चलाने का, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 करके आप लोग भीड़ रास्ते में जा सकते हो। मैं भीड़ रास्ते का वीडियोस भी बहुत सारा, इसको ज़रूर देखें। यहाँ पे देखो ऐसा, ये गाड़ी कहाँ पे है, ये वाला लाइन इधर से सोचो, ये मेरे हाथ से दाहिने तरफ है। इसको ओवरटेक करने के लिए मेरे को इस लाइन से बाहर रखना है और उसको ओवरटेक करने के दौरान वो गाड़ी इधर पर आएगा, ठीक है। देखो देखो अब इधर पर जा रहा है गाड़ी, ठीक है, और वो गाड़ी इधर पे नहीं है, वो गाड़ी इधर पे है, ये देखो, ठीक है। यानी कि इस लाइन से और उसको मेरे को बाय रखना है। देखो जब भी मैं इसको ओवरटेक करूंगा वो कहाँ पे आ जाएगा देखते रहो। अभी देखो ओवरटेक करने जा रहा हूँ, ठीक है, और वो भी डाइने तरफ आ रहा है यार। देखो हो गया, देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को देखना है, जानना है और एकदम सब कुछ प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच के ड्राइव करना है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा, सही बात है, मगर हाँ दोस्तों आप लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया उनको, क्योंकि उधर पे साइकिल लेके जा रहा था बंदे लोग, स्पेस बिल्कुल ही नहीं था, मेरे को पता था, इसलिए मैंने ब्लाइंड स्पॉट था, मैंने गाड़ी को एकदम स्लो कर दिया, ठीक है। सामने देख के आप लोगों को डिसीजन लेना है क्या करना है, गाड़ी को रोक देना है, ठीक है, स्लो करना है, क्या करना है। जितने भी प्रो बन जाओ ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होना दोस्तों, ठीक है। इधर पे देखो, ठीक है, इधर पे देखो, ये गाड़ी मेरे से दूर है, हल्का सा स्टीयर किया मैंने, स्टीयर करके उसको इधर पे लेके आना है, ठीक है। और बहुत सारा कमेंट ऐसा भी आ रहा था, मेरे से पूछ रहा था राकेश भाई ये जो मेरा पॉइंट है कौन सा लूँ, मिडिल को लूँ या इधर पे लूँ। तो जैसा मैं इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ वैसे लो, ठीक है, किसी पॉइंट के मत लो, ये वाला पॉइंट को लो, ये ऐसे मत करो, आप लोग को ऐसे देखना है, ठीक है। उसके बाद बाहर जाना है, इस निशान को कर दो, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो भी गाड़ी आएगा उसको आप लोग ऐसे लाइन को और गाड़ी को इससे बाहर रखो, और जब भी आप लोग ओवरटेक करोगे उसको इधर पे लेके आओ, सिंपल। ये ट्रिक सिर्फ इस गाड़ी के लिए नहीं दोस्तों, ये आपका बोलेरो पिकअप स्कॉर्पियो सुमो स्विफ्ट डिजायर वैगनआर हर गाड़ी के अंदर ये ट्रिक अप्लाई हो सकता है, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा, गाड़ी आराम से आप लोग चला के जा सकते हैं दोस्तों, ऐसा है, ठीक है। देखते रहो अभी, एटी का स्पीड चल गया था, मैं जोर से नहीं चलाता हूँ क्योंकि वीडियो के अंदर अगर मैं रैश ड्राइव करूँगा तो मेरे को देख के कोई और भी करने लगेगा, तो इसीलिए एज ए ट्यूटर मेरे को रैश ड्राइविंग नहीं दिखाना है, ठीक है, मत करो अभी वो सब, ठीक है। मशीन है दोस्तों, हम लोग जैसे इसको इस्तेमाल करेंगे ये वैसा ही इस्तेमाल होगा, तो मशीन को रिस्पेक्ट दो, गाड़ी को रिस्पेक्ट करो, गाड़ी भी ज़्यादा दिन तक चलेगा। यहाँ पे देखो गाड़ी, यहाँ पे हल्का सा स्टीयर चला गया, ठीक है। इधर पे देखो रिक्शा जा रहा है, कहाँ पे है, मेरे इस हाथ से बाहर, स्टीयरिंग को मैंने हाथ भी नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि वो मेरे से बाहर था ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो चार नंबर गियर, तीन नंबर देना पड़ा, ब्रेकिंग किया था इसीलिए, देखो क्रॉस किया, कहाँ चला गया, टेप के सामने, ठीक है, ऐसा टेप के सामने ऑटोमेटिक वो गाड़ी चला जाएगा जब भी आप लोग उसको ओवरटेक करेंगे, यानी कि सही ओवरटेकिंग हुआ है, उतना स्पेस मेंटेन करो। आप लोगों को क्या लगता है जब भी मैं ओवरटेक करता हूँ कितना गैप रखता है, जो मेरा लेफ्ट टायर है ना उससे लगभग इतना गैप रखता है, इतना गैप क्यों पता है, इतना गैप क्यों रखता हूँ मैं, कहाँ से पता चला मेरे को इतना गैप रहता है, क्योंकि ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे जितना गैप आप लोगों को दिख रहा है यही वाला गैप मेरे गाड़ी से, मेरा लेफ्ट व्हील से दूसरे गाड़ी के साथ होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इतना दूर तक ही रखता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करके आप लोगों को जो भी डाउट हो रहा है उसको बता दीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।